Hello guys. Hello Blade. ये हमारे साथ आगे जा रहे हैं नेडो ग्रे के अंदर. तो फाइनली मैं ख्याल अब वीडियो जो है वो शुरू करते हैं. चप्पलें बड़ी मार ली हैं. दूसरा यार आप लोगों के जो टिप्स थे बड़े मज़े के, उन्होंने ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया. तो अभी बस मैं, मुझे लोग देख रहे हैं सामने से. मैंने सोच लिया मैं बनाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, अब नहीं रुकना. इस चैनल को बनाने का मकसद जो है वो बेसिकली जिस तरह से है कि हमारी गाड़ी की भी एक कहानी है. तो हमारी जर्नी जो है इस गाड़ी से कोई 3 साल पहले स्टार्ट होती है. तो बड़ा कुछ किया है इसके साथ हमने. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार कुछ टाइम पहले बना लेना चाहिए था, ताकि जो है जो कुछ हम इसके साथ कर चुके हैं वो आपको दिखाते. लेकिन खैर अभी भी बड़ा कुछ रहता है. अभी इसमें हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी हैं, तो आपको बताएंगे वो कैसे की, उन पर कॉस्ट कितनी आई. अगर आप वीडियो देखने आ गए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें. गाड़ी को निकालते हैं बाहर. हाँ भाई चलो, भाई चलिए. हाँ भाई कट कटो ना, थले लग जानी. चलो एक मिनट आगे लाओ, एक मिनट. तो गाड़ी को हम निकाल रहे हैं किसी तरह बाहर. अब जो है वो देखते हैं, कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं गांव में कोई, यहाँ पे इसको खड़ा करें और इसकी चीजें आपको बताएं. अभी एक और जंप आ गया भाई. चलो भाई बाहर हो. नोट कर देख. चलो यार थोड़ा पिंड ही बड़ा गंदा है. तो यार गाड़ी के इंटीरियर के बारे में कुछ लोग सवाल करते हैं, तो अभी तक हमने इंटीरियर को कुछ नहीं किया, लेकिन करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे. गाड़ी को हम लेके आ गए हैं फुल जनाब खेतों में. चिड़ियों की आवाज़ें हैं बस इधर. तो यहाँ पे आपको बाकी रिव्यू देते हैं इसका, एक शॉर्ट सा कि इसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ. सबसे पहले तो इसको मैंने किया था फेसलिफ्ट. ये जो है वो 2016 मॉडल ग्रैंडी है, जैसा कि नंबर प्लेट के ऊपर मेंशन है. कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि यार नंबर प्लेट पे 16 ना लिखो, आपकी गाड़ी जनाब अपग्रेड लगेगी. मैं कहा नहीं यार क्यों, जब गाड़ी 16 मॉडल है तो है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात. तो इसको फेसलिफ्ट किया. चीज़ जो इसमें हमने किया है वो इसमें डाले कॉइल ओवर्स, और कॉइल ओवर से इसकी हमने की हाइट नीचे. कॉइल ओवर्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी थे मेरे ख्याल से. अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने गाड़ी को लो करना है, क्योंकि लो करने के बगैर आप जितने मर्जी महंगे अच्छे रिम्स डाल लें, मेरा नहीं ख्याल गाड़ी की वो लुक निकलती है. अगर आप स्टॉक रिम्स के ऊपर भी गाड़ी को लो कर देना तो वो बहुत प्यारी लुक देती है. तो इसलिए मॉडिफिकेशन का सबसे फर्स्ट रूल मेरे ख्याल से, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो है गाड़ी को लो करना, कि आपने कॉइल ओवर्स डाल के उसको कर देना है नीचे. तो तीसरा जो सबसे मेन काम इसमें हमने किया, इसका कलर चेंज, जो कि अल मशहूर नाडो ग्रे. ये कलर जो है वो मैं बड़ी देर से देख रहा था कुछ गाड़ियों में, कुछ बड़ी गाड़ियों में. अब वो गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा यार ये एक नई चीज़ है तो ये ट्राई करनी चाहिए. जी नाडो ग्रे हमने इसको किया रैप, तो मेरे लिए बड़ा रिस्की डिसीजन था. जो भी मिथ्स हैं आपको करवाना चाहिए या नहीं, उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस दिन से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, तो वो मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो होपफुली रैप के रिलेटेड ही होगी, जिसमें रैप के रिलेटेड क्या कॉस्ट आई, कहाँ से करवाया, क्यों करवाया, जो भी आपके सवाल थे, जो भी DMs मुझे आते हैं मैं उनके जवाब दूँगा. तो इन
तीन मॉडिफिकेशंस के बाद जो नेक्स्ट मेरा प्लान है वो था इसमें एयर सस्पेंशन डालने का, क्योंकि यार कॉइल ओवर्स ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दिया है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो फेल होते हैं। उसमें ये है कि यार मेरा आना जाना गांव में होता है अक्सर, तो मुझे एयर चाहिए। मैं गाड़ी को अप भी नहीं रख सकता क्योंकि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत घटिया लगती है। और उसके बाद लो रखना है, और लो कॉइल ओवर्स पे भी नहीं रख सकता क्योंकि यार कहीं ना कहीं वो अप करनी पड़ती है, और लो तो फिर ज़ाहिर है वो तो मज़ाक आएगी ऑब्वियसली। तो वो मैंने मंगवाई हुई है, और वो मंगवाना एक नाइट मेयर से कम नहीं है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 माह गुजर चुके हैं, अभी तक वो पहुँची नहीं, तो वो एक अलग टेंशन है। उसकी भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे जब वो आई। तो उसके बाद जब कोई ऑटो शो वगैरह आएगा फिर हम सोच रहे हैं कि रिम्स जो है वो चेंज करें। इसके रिम्स जो हैं वो भी बाहर से मंगवा रहा हूँ, अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर सका, लेकिन आएंगे वो भी बाहर से, क्योंकि पाकिस्तान में वो क्वालिटी नहीं। रिम मैंने अभी तक इसलिए चेंज नहीं की है क्योंकि यार मुझे ये रिम पर्सनली बहुत पसंद है, सिर्फ ये छोटे हैं। वो इसका एक स्पॉइलर मंगवाया हुआ है, वो भी बाहर से, वो भी आएगा। गाड़ी की जो हॉर्स पावर है बेसिकली तो जब भी यार आप गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, बंदा कंफ्यूज होता है। मैं खुद था, मैंने ये नाडो ग्रे रैप जो करवाया, इस करवाने से पहले मैं इसको ब्लैक करने लगा था क्योंकि ब्लैक मुझे पसंद था, लेकिन ये कलर भी ब्लैक से पहले मेरे माइंड में था। तो बड़ा लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि यार नहीं क्या कर रहे हो, अजीब रंग आया तो क्या होगा ये वो, तो बड़ा मुझे कंफ्यूज किया। फिर कुछ लोगों से जिनकी गाड़ियों पे ऑलरेडी रैप हुआ हुआ है, मैंने उनसे पूछा, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे भी बुरा लगा कि यार कम से कम लोग रिप्लाई तो करें, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि यार उनको ऑलरेडी बड़े सारे मैसेजेस ऐसे रिसीव हुए होते हैं, और हर बंदा ये सवाल पूछता है कहाँ से करवाया, कितने का करवाया, तो बंदा फेडअप हो जाता है सुन सुन के कि सवाल। तो इससे अच्छा यह है कि उसकी वीडियो बना दी जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी यार मुझे नहीं पता ये मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट गोल ये है कि अगले एक साल तक दबा के वीडियोस बनानी, रुकना नहीं, लोग जज करें, व्यूज़ आए ना आए, एक साल मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि यार ये यूट्यूब है क्या। तो अगर तो आपकी सपोर्ट रहेगी तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं भी रहेगी तो यार आपको मना लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब वीडियो को करते हैं ख़त्म, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोशिश तो मैंने की है कि आपको बोर ना आने दूं, लेकिन यार फिर भी इट्स माय फर्स्ट वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब करना है, पैसे भी कमाने हैं हमने YouTube से, यू नो। लेकिन फ़िलहाल एक साल दबा के वीडियोस इधर उधर की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो में कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो, जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मैंने इस गाड़ी के साथ की, जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ, वो कैसा मेरा डिसीजन रहा, करना चाहिए था या नहीं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाय।